के लिए मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए स्थापित किया जाएगा। तीसरा कदम यह होगा कि नई तकनीक के जरिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ये सब कुछ परमाणु ऊर्जा की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम इस क्षेत्र के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे। उन्नत अल्ट्रासोनिक सुपर थर्मल पावर प्लांट की हम स्थापना करेंगे। अगर घरेलू स्तर पर हम जो ऊर्जा के संयंत्र हैं वो हासिल कर सके, अल्ट्रा संयंत्र सुपर संयंत्र हासिल कर सकें, तो इसकी जो उत्पादकता है काफी अच्छी होगी और ये काफी अच्छी होगी और NTPC और BHEL के साथ सहयोग में हम ये इसे स्थापित करेंगे। इसके जरिए 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट हम हासिल कर पाएंगे। AUSC टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी इसमें वित्तीय मदद की जरूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो घरेलू यानी कि स्वदेशी जो क्षमता है उसके जो धातु से जुड़े हुए प्लांट हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। इसको लेकर के कार्य योजना हम बना रहे हैं जो हमारे उद्योग को मदद करेगी। हम अगर बात करें तो उद्योग के अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसके अलावा जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकें, इसके लिए हम नियम बनाएंगे और नियम को सरल बनाएंगे और हमारा मकसद यही है कि परफॉर्म करें, अचीव करें और ट्रेड करें यानी कि अच्छा प्रदर्शन करें और आप कारोबार को बेहतर कर सकें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो भी पारंपरिक हमारी जो छोटी सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनको हम मदद करेंगे। हम हमारे जो पारंपरिक लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं इसमें ब्रास और सेरामिक जो सेंटर हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वे जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें और ऐसे में जो ऊर्जा की क्षमताएं उनकी बढ़ेंगी और 100 क्लस्टर्स में हम इनको लागू करेंगे अगले चरण में। सातवीं प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो आधारभूत ढांचा यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें सरकार का निवेश क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से इसमें बहुत ही उल्लेखनीय निवेश किया गया है ताकि जो आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने ताकि इससे जबरदस्त फायदा अर्थव्यवस्था को हो सके और हमारे जो प्रयास है वो लगातार जारी रखेंगे और हम वित्तीय मदद देते रहेंगे ताकि आधारभूत ढांचा जो है मजबूत होता रहे और ये हम हमारी जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनको जोड़ेंगे ताकि हमारी जो वित्तीय हमारा जो हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ें। वो 11,11,111 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में हम खर्च करेंगे और ये GDP का 3.4% होगा हमारा जो पूंजीगत व्यय है और हम इसमें जो राज्य हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि इसी तरह की वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे के लिए वे अपने जो विकास की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से खर्च करें और इसके लिए हम जो प्रोविजन है प्रावधान रखेंगे 1.5 लाख करोड़ का। हम इसके लिए जो दीर्घकालिक जो इंडस्ट्री को फायदा मिल सके हम उसकी मदद करेंगे। हम उनको जो रिसोर्स दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं उसके ये अलावा होगा। इसके अलावा अगर आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है वो हम करेंगे यानी कि अगर उनको जरूरत पड़े तो हम फाइनेंसिंग की का ढांचा उपलब्ध कराएंगे। ये हम एक ढांचा बनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो चौथा चरण है PMGSY का जो चौथा चरण है उसकी स्थापना की जाएगी ताकि ऑल वेदर कनेक्टिव यानी सभी मौसम में जो 25,000 जो ग्रामीण इलाके हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। तो जैसे जैसे वहां की आबादी बढ़ रही है उनको हम ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाढ़ नियंत्रण और कृषि के लिए जो सिंचाई है वो हम उपलब्ध कराएं। बिहार के बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहता है और हमारी योजना है कि हम बाढ़ कंट्रोल को लेकर के जो ढांचा है वो नेपाल में अभी नहीं बहुत बन पाया है और हमारी सरकार की कोशिश ये होगी कि सिंचाई की जो सुविधा है वो बेहतर हो सके और इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं उसको हम मदद देंगे। ऐसे वो योजनाओं को हम मदद करेंगे। 11,500 करोड़ की योजनाओं को हम
मदद करेंगे जिससे कि बाढ़ नियंत्रण हो सके और सिंचाई हो सके। कोसी मीची अलग अलग जो राज्य से जुड़े हुए योजनाएं हैं, इसके अलावा 20 जो पहले से चल रही योजनाएं हैं और जो नई योजनाएं हैं जिसमें कि बराज, नदियों में प्रदूषण को रोकने की कोशिश और जो सिंचाई की परियोजना है उसको हम मदद करेंगे। इसके अलावा हम सर्वे और जांच की कोसी से जुड़े कोसी में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके, उसके लिए भी हम फंड उपलब्ध कराएंगे। असम की अगर हम बात करें, असम को हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है, जहां बाढ़ ब्रह्मपुत्र से और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं वहां तबाही मचाती हैं, लेकिन ये सभी नदियां भारत से बाहर उनका उद्गम स्थल है। तो भारत को हम असम में हम फ्लड मैनेजमेंट यानी बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे, मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत जबरदस्त बाढ़ और आपदा की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है और हमारी सरकार इस राज्य को मदद करेगी ताकि पुनर्निर्माण हो सके और पुनर्वास हो सके और अलग अलग बहुउद्देशीय जो तरीके हैं उससे हम अलग अलग योजनाओं के जरिए ये काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश को पुनर्वास हो सके, पुनर्निर्माण हो सके। इसके अलावा उत्तराखंड की भी बात करें तो यहाँ भी बादल फटने की घटनाओं से जबरदस्त लैंडस्लाइड होती है और तबाही होती है और हम राज्य को मदद करेंगे। हाल के दिनों में सिक्किम में भी जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया था और वहां तबाही हुई थी, भूस्खलन हुआ था और वहां पर भयानक तबाही देखने को मिली थी सिक्किम में। हमारी सरकार सिक्किम को भी मदद उपलब्ध कराएगी। अगर बात की जाए टूरिज्म की यानी पर्यटन की, तो पर्यटन हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारी जो सभ्यता का हिस्सा रहा है और भारत को हम वैश्विक स्तर पर मानचित्र पर ले जा सकें टूरिज्म में, तो इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और जो आर्थिक मौके हैं वो काफी बढ़ेंगे। और अगर पर्यटन से बात करें तो पर्यटन से दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ता है और हमने जो अंतरिम बजट में जो ऐलान किया था, हम जो निम्नलिखित कदम है वो उठाने का ऐलान कर रहे हैं। विश्वपाथ टेम्पल गया में हम स्थापित करेंगे और बोधगया में बिहार में जो वहां पर जो आध्यात्मिक इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है, यहां पर गया का विष्णुपद मंदिर है उसका विस्तृत विकास हो सके, गया के महाबोधि टेम्पल को महाबोधि मंदिर का भी विकास किया जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही इन मंदिरों का विकसित किया जाएगा, विकास किया जाएगा ताकि इन्हें विश्व स्तरीय जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ पर्यटन के अलावा वो वहां पर धार्मिक क्षेत्र से भी विकसित हो पाएगा। राजगीर की भी अहम भूमिका है हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए। 20वें तीर्थंकर का जो मंदिर है, मुनि का जी का मंदिर, उसको भी विकसित किया जाएगा। सप्तऋषि जो ब्रह्मकुंड वहां पर है जहां पर गर्म पानी का झरना है उसका भी विस्तृत विकास किया जाएगा। राजगीर का विकास हम करेंगे, ये भी हमारी योजना है। हमारी सरकार नालंदा का विकास करने में भी, नालंदा का पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकास हो सके हम उसके लिए मदद करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उसका ऐतिहासिक जो स्वर्णिम स्तर था वो हासिल हो सके ये सुनिश्चित करेंगे। ओडिशा की भी जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो वहाँ के मंदिर हैं, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वहाँ के समुद्र तट हैं, वो भी पर्यावरण के लिहाज से काफी, पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छे हो सकते हैं और उनको विकसित करने के लिए हमारी सरकार मदद करेगी ओडिशा सरकार को। 8वीं प्राथमिकता की अगर बात करें तो इनोवेशन यानी नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को हम लागू करेंगे ताकि जो बुनियादी रिसर्च है वो आगे बढ़ सके और इसके अलावा हम एक ऐसा तंत्र भी विकसित करना चाहेंगे ताकि जो निजी क्षेत्र के द्वारा निर्धारित रिसर्च है वो हो सके।
1,00,000 करोड़ रुपए इसके लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा, यानी फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि हमने अंतरिम बजट में कहा था। स्पेस इकोनॉमी पर हमारा काफी ध्यान है और हम जो अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था है उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अगले कुछ सालों में 1,000 करोड़ की लागत से हम फंड स्थापित कर रहे हैं। 9वीं प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो अगले चरण के अगले पीढ़ी के जो सुधार हैं वो आर्थिक ढांचे को हम बेहतर करना चाहते हैं। हम आर्थिक नीति का जो ढांचा है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें और हमारी जो अगली पीढ़ी के जो सुधार हैं वो उसको हम लागू कर सकें ताकि रोजगार के मौके बढ़े और हमारा विकास काफी तेजी से हो सके। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम जो सुधार है उसको हम पुरस्कृत कर सकें। इसके लिए जो उत्पादन है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो मार्केट है और जो हमारे अलग अलग क्षेत्र है उसको हम कुशल बनाना चाहते हैं। इससे उत्पादन क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि जमीन लेबर और उद्यम को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीक को हम चाहते हैं कि वो हमारे इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे, हमारी उत्पादकता बढ़ाने में तकनीक सहायता कर सके, ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो कदम है, ऐसे जो सुधार है, इसमें हम राज्यों के साथ चाहते हैं हम बेहतर तरीके से तालमेल बनाएं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है ताकि राज्य विकास करें और हम चाहते हैं कि जो संघीय ढांचा है हम उसको और भी मजबूत बढ़ाएं और हम तेजी से सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए 50 साल का जो कर्ज मुक्त लोन है वो हम देना चाहते हैं, वो निम्नलिखित सुधारों के लिए दिए जाएंगे। हम राज्यों के साथ बेहतर करना चाहते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो सुधार हैं उसको लेकर, चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, हम जो जमीन का प्रशासन है उसमें एक जमीन से जुड़ा हुआ एक मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा और साथ ही शहरी जो जमीन के इस्तेमाल और बायलॉज हैं उसको बेहतर किया जाएगा। हम अगले कुछ सालों के लिए, अगले 3 सालों के लिए पुरस्कृत करेंगे और उनको हम मदद करेंगे। अगर जमीन, ग्रामीण जमीन से जुड़े हुए जो सुधार हैं उसकी बात करें तो पहली, इसमें पहला पहलू है कि लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हम बनाना चाहते हैं ग्रामीण इलाकों के लिए, या फिर इसे कहें कि ये भू आधार होगा जमीन के लिए। दूसरी बात, डिजिटाइजेशन होगा, यानी कि जो मैप है उनको लाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात होगी जो सब डिविजन जो है उनको सर्वे में लाया जाएगा और जो मौजूदा अभी मालिकाना हक है उसके आधार पर होगा। इसके अलावा लैंड रजिस्ट्री चौथा हमारा पहलू है और पांचवा जो किसानों की जमीन है उसकी रजिस्ट्री करानी होगी। इसके अलावा कर्ज की का जो प्रवाह है वो हम सुनिश्चित करना चाहेंगे ताकि जो किसानों को कर्ज की सुविधा है वो आसानी से मिल सके। अगर लैंड रिकॉर्ड और की बात की जाए शहरी इलाकों में तो उनको डिजिटल किया जाएगा जीआईएस मैपिंग के जरिए और इसका, इसके लिए हम तकनीक की मदद लेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो सके, ताकि तकनीक के जरिए जो टैक्स है यानी कर है उसकी सुविधा बेहतर हो सके। इसके अलावा वित्तीय स्थिति जो अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका भी, उनको भी आर्थिक तौर पर फायदा होगा। अगर बात की जाए लेबर की सुविधा जो होती है, हम चाहते हैं कि जो कामगार हैं वो उनको फायदा मिल सके। इसके लिए हम एक विस्तृत ई श्रम पोर्टल को हम लागू करेंगे और इसको अन्य पोर्टल से भी जोड़ेंगे और ये एक जगह का सॉल्यूशन होगा जहां पर आर्किटेक्चरल डेटा बेस स्थापित किया जाएगा, स्किल कौशल की जो जरूरत है वो पूरा हो सकेगा और हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जिससे कि जो नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं वो नौकरी देने वालों के पास पहुंच सके और इस पोर्टल के जरिए इन दोनों का मिलान कराया जा सके, रोजगार होगा। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल जो है उसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा ताकि जो है अनुपालन यानी कंप्लायंस जो होता है वो आसान हो सकेगा, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। पूंजी और की अगर बात की जाए, पूंजी से जुड़े हुए और उद्यम से जुड़े हुए जो अब सुधार है वो लागू किए जाएंगे। फाइनेंसिंग नीड्स, हम चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था को पैसे की जरूरत है वो सुनिश्चित हो सके, उनको मिल सके। इसके लिए हम एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं, एक ऐसा विजन बनाना चाहते हैं
जिससे कि एक ऐसा सेक्टर बने जिससे जो कौशल के साथ साथ वहां पर जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। हम 5 साल के लिए ये योजना बना रहे हैं ताकि जो सरकार नियामक वित्तीय जो संस्थाएं हैं और जो बाजार से जुड़े हुए हितधारक हैं जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी इससे जुड़ सकेंगे। हम क्लाइमेट फाइनेंस यानी जो जलवायु को लेकर के कदम उठाने हैं वो उनको भी वित्त पोषण मिल सके यानी फाइनेंस।